हर हफ्ते डांस की कसौटी पर कंपटीशन अपनी ऊंचाई पर होता है और ऐसे में एक छोटी सी गलती, वो जोड़ी है अभिनव और संगीता, सोचा नहीं था कि अभिनव और संगीता जाएंगे। परफॉर्मेंस हाँ थोड़ा इधर उधर हुआ था, 90-20 ऐसा हुआ था, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिनव, क्योंकि उनको भी पहले ही हफ्ते ग्रैंड सैल्यूट मिला था, फिर क्या बात मिला था, तो एक स्ट्रॉन्ग कपल है वैसे। मुझे लगा कि वो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। एक गलती की वजह से, जैसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें नज़रअंदाज नहीं होती, तो नहीं हुई। Honestly, they didn't deserve to go, but as you say, Grandmaster has and knows what he does, and he's best at what he does. We respect his decision, so unka decision sala ko par. Un log kafi logon se behtar the, so but then main master hu, main attached hu unse, aur aisa sochna mere haq mein hai. Zaruri nahi hai ki Grandmaster ka decision hai, hum kya keh sakte hain. अभिनव संगीता का अभी भी मुझे आंखों में वो फर्स्ट एक्ट बसा हुआ है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड का एक्ट किया था। सोनिया, ओ सोनिया। अभी भी मुझे वो याद है वो परफॉर्मेंस। वो बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। मुझे अभी भी याद है संगीता को शोल्डर पे उसने किस किया था, वो जो केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी। सो देयर अ वेरी गुड परफॉर्मर। फीलिंग बैड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ये ऐसा एक्ट है जिससे अभिनव और संगीता दुनिया को दिखा सकते थे कि दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि अगर आप उसकी वर्सटैलिटी की लिस्ट देखें तो दे हैव डन एवरी पॉसिबल स्टाइल, बट इट डिडंट वर्क इन देयर फेवर। तो क्या करें, अब मुझे आदत हो गई है एलिमिनेशन की। आई थिंक दूसरों के लिए रोती हूँ, अपनों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, तो मुझे मालूम है वाइल्ड कार्ड दूर नहीं है। और वाइल्ड कार्ड में, जैसे दादा कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, तो दादा के भरोसे छोड़ दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। देयर इज नो एलिमिनेशन इन आवर गेम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन किसी का खराब होगा। देयर ऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, दैट्स इट। लोग एक साथ इकट्ठे डीआईडी का जर्नी शुरू किए थे और वो इतनी स्वीट मेमोरीज है उनके साथ कि उसको भुलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी जाता है तो बहुत ही मैं बोल नहीं सकती वो फीलिंग्स क्या होती है। 19-20 की वजह से वो लोग आउट हो गए, बाकी कुछ नहीं है। वो लोग ज़रूर वापस आएंगे और हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ है। मिस करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जा ही नहीं रहे, वो लोग वाइल्ड कार्ड में वापस आ रहे हैं, तो मिस करने वो लोग का सवाल हमारे ही साथ नहीं ही रहेंगे। तो हम उनका इंतज़ार करेंगे आने का, कि वो कब आते हैं अगले 2 वीक में। 2 वीक रहा है, 2 वीक ऐसे निकल जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, किसी को जीतना है, किसी को हारना है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। वी स्टिल हैव अ चांस, मिथुन दा पे भरोसा है, तो हम जरूर वापस आएंगे। विल गिव 100 नहीं, 200 नहीं, लेकिन 1000% देके हम वापस जरूर आएंगे। दे आर कमिंग बैक, आई गारंटी। है डीआईटी डबल।